नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम जो स्नैबर सर्किट के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, तो स्नैबर सर्किट में हमने पढ़ा था दो टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं आपके पास ऐसे एरिया में, एक तो DI/DT और DV/DT, यानी एक हाई वोल्टेज या वोल्टेज की वैल्यू सडनली इंक्रीज ना हो जाए उससे SAR को बचाना, और करंट की जो वैल्यू है रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, यानी करंट की वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा ना हो उससे SAR को प्रोटेक्ट करना। तो DI/DT के लिए हमने क्या किया था, एक इंडक्टर L को कनेक्ट किया था सीरीज में SAR के सीरीज में, और DV/DT यानी DV/DT रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड वोल्टेज उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया था, स्नैबर सर्किट को यूज़ किया था जो कि आपके SCR के पैलर में कनेक्ट था। और स्नैबर सर्किट किससे मिलके बना हुआ था, हमारे पास रेजिस्टेंस RS एंड CS के कॉम्बिनेशन से। तो इस वीडियो में हम उसको आगे बढ़ाते हुए एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे जिसमें आपके पास दोनों टाइप के प्रोटेक्शन सर्किट होंगे। तो हमने एक ये सर्किट आपको जो दिख रहा है उसमें एक वोल्टेज की वैल्यू ली है जो एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करी है VS, एक स्विच कनेक्ट किया हमने S, SCR कनेक्ट किया है SCR के पैरेलल में RS एंड CS इस नंबर सर्किट कनेक्ट किया है, और सीरीज में एक DI/DT इंडक्टर हमने यूज़ किया है, और एक लोड रेजिस्टेंस है आपके पास RL। तो ये जो सर्किट है SCR का, SCR और लोड से मिलकर जो सर्किट था, लेकिन SCR के प्रोटेक्शन के लिए हमने इंडक्टर L कनेक्ट किया है, और DV/DT प्रोटेक्शन के लिए हमने इस नंबर सर्किट को SCR के पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर अब इस सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे, और जो L की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो हम इंडक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, R और CS इनकी क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो इनकी वैल्यू को हम डिराइव करेंगे इस सर्किट का एनालिसिस करके। तो हमारे पास इस वीडियो का यही है कि L, R और CS की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे प्रोटेक्शन के सर्किट के लिए उसको हम डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के लिए पहले हम सर्किट हमने बनाया है, सर्किट का अध्ययन करते हैं कि जब हम स्विच S है इसको हम क्लोज़ करेंगे, तो जैसे ही मैंने स्विच को S को क्लोज़ किया तो इनिशियली SCR आपके पास क्या होगा, SCR पे वोल्टेज अप्लाई होगा लेकिन कम होगा, तो SCR आपके पास ब्लॉकिंग मोड पे रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, मतलब ऑफ स्टेट रहेगा और एक्ट करेगा एज एन ओपन स्विच की तरह, यानी हाई इम्पीडेंस ऑफर करेगा ब्लॉकिंग मोड में, और हाई इम्पीडेंस ऑफर करेगा तो उसको हम ले रहे हैं प्रैक्टिकली इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। सेकेंड, जो कैपेसिटर था CS वो इनिशियली क्या रहेगा, चार्ज स्टोर किया हुआ है 0 वोल्ट चार्ज स्टोर किया हुआ है, यानी वो एक्ट करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव लाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही मैंने स्विच S क्लोज़ किया है तो उस समय दो चीज़ें हुई, SCR तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर ब्लॉकिंग मोड में है तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, यानी इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, और कैपेसिटर इनिशियली क्या है 0 वोल्ट स्टोर किया हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है जब वैन एस इज क्लोज, जब हम स्विच एस को क्लोज़ किया था, जो इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास इस तरह से बना, VS एस क्लोज़ किया हमने, RS क्योंकि कैपेसिटर आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट, SCR आपके पास ओपन हाई इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है या एज ए ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है तो उसको हमने हटा दिया, इंडक्टर L है और आपके पास लोड सर्किट करंट लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है इसमें RL, और इस ओवरऑल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I। तो ये सर्किट बच गया इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें अब क्या क्या कनेक्ट है हमारे पास, केवल एक रेजिस्टेंस RS, L एंड RL कनेक्ट है। तो आपके पास ये RL सर्किट आपने पढ़ा होगा, एक RL सर्किट बना है, और RL सर्किट में सर्किट के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL हमने अप्लाई किया है, KVL अप्लाई किया है, अपना KVL करोगे आप तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आपके पास, VS इज इक्वल टू आ गया I इंटू RS, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट वैल्यू, क्योंकि सर्किट करंट आपके पास वैल्यू क्या I है, तो I इंटू RS प्लस एक लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी प्लस I इंटू RL, और जो L के अक्रॉस करंट फ्लो होती है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, L DI/DT। तो अप्लाई KVL करेंगे तो VS इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, IRS प्लस LDI/DT प्लस IRL।
या वी एस इजिकल टू, उसको मैंने और सही तरीके से लिखा है अपने सेकंड लाइन में, तो वी एस इजिकल टू आर एस प्लस आर एल, आई कॉमन ले लिया प्लस एड ए बाई डी टी। अब हम इसको वैल्यू डिफाइन करने के लिए आई की लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत साइड। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ कि जो करंट डीसी करंट की कांस्टेंट वैल्यू है वी एस, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम करेंगे तो क्या आएगा वी एस अपॉन एस। डीसी में क्या हो जाएगा वी एस बाय एस इजिकल टू आर एस प्लस आर एल इंटू आई, ये कांस्टेंट ही आर एस प्लस आई आपके पास वैल्यू बाहर रहेगा और आई के वो हमने डिफाइन किया आई एस से, प्लस एल डी आई बाई डी टी यानी डिफरेंशिएशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एस ऑफ आई एस, क्योंकि आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है डी बाई डी टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन में आगे एस मल्टीप्लाई होता है एस इंटू आई एस। तो कांस्टेंट के हिसाब से वी एस बाई एस इजिकल टू आर एस प्लस आर एल आई एस प्लस एल एस आई एस, ये बना है आपके पास। इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो आई एस की वैल्यू ऊपर से मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया आर एस प्लस आर एल प्लस एस एल। अब आई एस इजिकल टू क्या बना आपके पास वी एस बाई एस अपॉन आर एस प्लस आर एल ब्रैकेट में प्लस एस एल। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें से हम क्या कॉमन लेंगे एल कॉमन लेते हैं, एल कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपके पास एस प्लस आर एस प्लस आर एल बाय एल, यानी एस प्लस आर एस प्लस आर एल बाय एल। और जो हमने एल कॉमन लिया था और जो वी एस बाय एस जो अपॉन में है इसके डिनोमिनेटर में है वो तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एस से और एल को हमने ऊपर लिख दिया, यानी इसको रीराइट इस तरह से लिखा है वी एस बाई एल एस इंटू एस प्लस आर एस प्लस आर एल बाई एल। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे जैसे मैंने दे रखा कि वन अपॉन एस अपन एस प्लस ए, इसको हम ब्रेक करते हैं ए प्लस एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए से, तो इसकी वैल्यू क्या आती है फाइनली वन अपॉन ए वन बाय एस माइनस वन अपॉन एस प्लस ए। तो यहाँ पर ए इसको हमने राइट किया है तो नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है एस प्लस आर एस प्लस आर एल बाई एल। तो यहाँ पर आर एस प्लस आर एल बाई एल को मैं अगर ए सपोज करता हूँ, ए सपोज करता हूँ तो इसको और इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा कि बार वी एस बाई एल इंटू वन अपॉन ए था, तो वन अपॉन ए और ए मैंने सपोज किया था किसको आर एस प्लस आर एल बाई एल को, तो वन अपॉन ए में इसका रिवर्स हो जाएगा एल अपॉन आर एस प्लस आर एल डे के हुआ वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस प्लस ए मतलब एस प्लस आर एस प्लस आर एल बाई ए। इसको एल से एल यहाँ से एल से एल कटेगा फाइनली ये बचा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी करंट की वो की इक्वेशन आएगी आपके पास आई इजिकल टू, जैसे हमारे पास जो इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होती है वो इक्वेशन क्या रहती है आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस आई इजिकल टू सर्किट करंट कैपिटल आई वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टू। तो ये जो बेसिक करंट की इक्वेशन है जो कि इंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है हमारे पास, या सर्किट करंट जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है वही हमारे पास सर्किट करंट है, तो इसकी इक्वेशन है आई इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ आई वन माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टू। तो ये डायरेक्ट भी आप उस सर्किट से लिख सकते हो। तो सर्किट जो करंट होगी आई उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एल को हम अज्यूम नहीं करते थे, आई जो सर्किट करंट है विदाउट एल वो क्या होगी आपके पास वी एस जो अप्लाई वोल्टेज है वी एस अपॉन जो रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है आर एस प्लस आर एल। तो कैपिटल आई की वैल्यू क्या वैल्यू होगी वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। ऐसे ही टी अपॉन टू यानी टू आपके पास क्या होता है टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है टू इज इक्वल टू एल अपॉन सर्किट रेजिस्टेंस आर। तो एल की वैल्यू तो एल है और सर्किट रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का ऐड होगा आर एस प्लस आर एल। तो टू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, तो जो इक्वेशन मैंने लिखी थी आई इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ आई वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इंडक्टर की, इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होती है उसमें यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है जो हमारे सर्किट के हिसाब से दिख रहा है अप्लाई वोल्टेज वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल, और टाइम कॉन्स्टेंट टो की वैल्यू क्या होगी एल अपॉन आर होती है तो एल अपॉन रेजिस्टेंस दोनों मिलकर ऐड होंगे आर एस प्लस आर एल। तो इस वैल्यू को पुट करके भी आप इक्वेशन सर्किट की निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमें L के अक्रॉस L की वैल्यू डिफाइन करनी है तो L के अक्रॉस जो वैल्यू करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी होगी डी आई बाई डी टी। तो हमने ये तो सर्किट करंट निकाली है I, और L के अक्रॉस अगर वोल्टेज मेजर करेंगे VL तो वो कितना होता है आपके पास L डी आई बाई डी टी। तो जो सर्किट की वैल्यू निकली है आई उसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अगर टाइम टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं
तो हमें क्या मिलता है, डी आई बाई डी टी आई, क्योंकि आई कांस्टेंट है, हमने बाहर ले सकते हैं। वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का जीरो माइनस, और ई की पावर किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो पावर एज इट इज़ आपके आगे मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस टी में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वन अपॉइंट टू, तो वो आगे मल्टीप्लाई होगा जीरो माइनस माइनस वन अपॉइंट टू ई की पावर माइनस टी अपॉइंट टू, यानी ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर ए टी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, ए इंटू ई की पावर ए टी, यानी टी के में जो भी मल्टीप्लाई ए था वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू ई की पावर ए टी। और यहाँ पर ए क्या, सपोज करो वन माइनस वन अपॉन टी था, ई की पावर टी में मल्टीप्लाई कौन हो रहा था, माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू तो आगे मल्टीप्लाई में आ गया और ई की पावर माइनस टी बाई टू ही रह गया। अब चूंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट में माइनस, वो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे, तो ओवरऑल क्या आएगा, आई अपन टू ई की पावर माइनस टी बाई टू। तो डी आई बाई डी टी आपके पास क्या हो गया, आई अपन टू ई की पावर माइनस टी बाई टू। डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ई की पावर माइनस टी है, तो ई की पावर माइनस टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहाँ पर होती है, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे होती है। तो यहाँ पर मैंने सब पहले तो क्या किया, इस आई की वैल्यू को पुट किया, आई क्या था आपके पास, वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल, और नीचे जो टो है और टो की वैल्यू को पुट किया, टो आपके पास क्या है, एल अपॉन आर एस प्लस आर एल, यानी एल अपॉन की जगह वो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चल जाएगा आर एस प्लस आर एल, आर एस प्लस आर एल से कटेगा, तो ये बचा वी एस बाय एल ई की पावर माइनस टी, और टो की वैल्यू हमने रख दी तो आर एस प्लस आर एल बाय एल। अब डी आई बाई डी टी मैक्सिमम कब होगा, जब टी इज इक्वल टू जीरो पे होगा, तो डी आई बाई डी टी मैक्सिमम क्या बच गया आपके पास, टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जीरो, या जीरो किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू वन के इक्वल होती है। तो ये डी बाई डी टी क्या बच गया आपके पास, सिंपल वी एस बाय एल बच गया। तो डी आई बाई डी टी मैक्सिमम क्या होगा, वी एस बाय एल, तो एल की वैल्यू यहाँ से हम क्या डिफाइन करेंगे, वी एस अपॉन डी आई बाई डी टी मैक्सिमम। तो अप्लाई वोल्टेज जो भी हमने दिया हुआ था सर्किट में, वी एस वो, और डी आई बाई डी टी मैक्सिमम, यानी डी आई बाई डी टी जब भी हम एस सी आर ए कोई करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन में उसकी स्पेसिफाइड लिमिट हमें ऑलरेडी दी हुई होती है कि इसकी डी वी बाई डी टी और डी आई बाई डी टी रेट ये होगी, इससे मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए। तो जो भी उसकी मैक्सिमम रेट है डी आई बाई डी टी, वो हम लेंगे, अप्लाई वोल्टेज लेंगे, तो अप्लाई वोल्टेज अपॉन डी आई बाई डी टी मैक्सिमम वो किस रेशियो को बताएगा, एल, यानी जो हम इंडक्टर के यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। अब ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर, तो सर्किट के हिसाब से हम देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर, एस सी आर को सपोज मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ, जब एस क्लोज था उस सर्किट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर वी ए जो डिफाइन किया वो क्या होना चाहिए, जो है वोल्टेज अक्रॉस आर एस और सी एस, यानी वोल्टेज अक्रॉस, क्योंकि सी एस वैसे शॉर्ट सर्किट था, तो वोल्टेज अक्रॉस जो आर एस है, तो वी ए की वैल्यू क्या हो गई, आई इंटू सर्किट करंट आपके पास कितनी फ्लो हो रही, आई, तो I इंटू आर एस जो वोल्टेज बन रहा है वही वोल्टेज कितना अक्रॉस एस सी आर है, जब S को मैंने क्लोज़ किया था स्विच को, तो वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर कितना आ गया आपके पास, वी एस इजिकल टू आई इंटू आर एस। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ तो डी वी बाई डी टी इजिकल टू डी आई बाई डी टी आर एस आ जाएगा। अब डी वी बाई डी टी मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि आर एस की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, जब डी आई बाई डी टी मैक्सिमम होगा, और डी आई बाई डी टी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो हमने वैल्यू अभी ऊपर डिफाइन करी है, डी आई बाई डी टी मैगजिम क्या है, वी एस बाई एल। तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू हम मैगजिम, डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या रखेंगे, वी एस बाई एल मैंने पुट करी है, तो इससे आर एस की वैल्यू आ गई है आपके पास एल अपॉन वी एस डी वी बाई डी टी मैगजिमम। यानी पहले तो हमने वी एस और आई डी आई बाई डी टी से एल की वैल्यू डिफाइन करी है, एक बार एल की वैल्यू आ गई तो हम रेजिस्टेंस आर एस की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, एल बाई वी एस अपॉन इंटू डी वी बाई डी टी मैगजिमम, क्योंकि एस सी आर के आपके पास डी वी बाई डी वी बाई डी टी यानी वोल्टेज का भी स्पेसिफाइड लिमिट आपको गिवन होगी उसके स्पेक्स में, तो इतना उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कनेक्ट करेंगे। और कैपेसिटर की वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैपेसिटर की वैल्यू आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा, आर एल सी सर्किट पढ़ा होगा, तो आर एल सी सर्किट में तो डायरेक्ट हम रेजिस्टेंस और एक बार इंडक्टर की वैल्यू निकल गई, कैपेसिटर की वैल्यू उनमें रिलेशन क्या रहता है, आर एल सी सीरीज आर एल सी सर्किट के लिए ये क्वेश्चन रहता है, आर एस इजिकल टू टू अपॉन जीटा अंडर रूट में एल बाय सी एस, जहाँ पर जीटा आपके पास क्या है, डैम्पिंग रेशियो है या डैम्पिंग फैक्टर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है डैम्पिंग फैक्टर की, 0.5 से लेकर 1 तक, और ऑप्टिमम वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं 0.65।
तो डैम्पिंग वैल्यू लेंगे हम 0.65, तो सी एस इस रिलेशन से सी एस आपके पास क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीटा अपॉन RS का स्क्वायर इंटू L। तो R और L की वैल्यू तो हमने dVi/dt और dV/dt मैक्सिमम जो स्पेसिफाइड लिमिट हमें दी हुई है SCR की उससे ज्ञात कर लेंगे। और कैपेसिटर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक सीरीज RLC सर्किट के लिए रिलेशन होता है, RLC के बीच में रिलेशन क्या होता है, R = 2 ऑफ जीटा अंडर रूट L/CS। तो जीटा आपके पास जहाँ पर डैम्पिंग वैल्यू है, डैम्पिंग फैक्टर है, जहाँ आपने ओवर अंडर डैम्प सिस्टम पढ़ा होगा, डैम्पिंग अंडर डैम्प सिस्टम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीटा की 0 से 1 के बीच में होती है और ऑप्टिमम वैल्यू 0.65 होती है। तो सी एस की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इज़ इक्वल टू 2 जीटा अपॉन RS का स्क्वायर इंटू RL। यहाँ पर R और L की वैल्यू और जीटा की वैल्यू रखकर कैपेसिटर की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, वी डिराइव द वैल्यू ऑफ RS, CS एंड L यूज इन प्रोटेक्शन सर्किट ऑफ थायरिस्टर और SCR। तो SCR का जो प्रोटेक्शन सर्किट है उसमें जो dI/dt और dV/dt प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ आ रहे हैं आपके पास RS, CS एंड L, उसकी वैल्यू को हम इन फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।